तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें ऐड किया है एक ग्लास मिल्क। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सैफ्रन। और मैंने यहाँ पर इसकी फ्लेम बहुत लो रखी है जिससे कि ये जले भी नहीं। और यहाँ पर मैं इसे 3 से 4 मिनट तक बॉईल करने वाली हूँ जिससे कि जो सैफ्रन का कलर है वो मिल्क में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर सैफ्रन का कलर इसमें ऐड हो चुका है और मैं यहाँ पर इसमें और मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें 3 ग्लास मिल्क और ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इसमें ग्रीन कार्डमम ऐड की है, हरी इलायची, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी और उसके बाद इसे ढककर ऐसे ही रहने दूँगी थोड़ी देर। तो अब यहाँ पर सैफ्रन का कलर अच्छे से आ गया है और यहाँ पर मैंने जो इलायची है वो भी इसमें से हटा दी है। और अब मैं इस मिल्क को यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस में सबसे पहले हनी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप मीठा लेते हैं उतना हनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस मिल्क को बनाने में आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हनी नहीं लेना चाहते तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ग्लासेस में मिल्क ऐड कर रही हूँ गरम, और आप चाहें तो इसे ठंडा भी ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इसे ठंडा ही सर्व करने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रखूँगी। और अगर आप चाहें तो अपने यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसे सिंपल ही रखा है। तो यहाँ पर ये मिल्क बनकर रेडी है और मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ जिससे कि ये हनी और मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये सिंपल सी रेसिपी और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।